नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देखो ये हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट। अभी लिख लो, मैं आपको समझा दूंगा। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई टी, फोटो करंट भी बोलते हैं इसको, और यहाँ पे पोटेंशियल आएगा पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट। इस तरफ भी, इस तरफ भी, ठीक है। अब आप समझो जरा कैसे। सबसे पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, मैं वो लिख रहा हूँ थोड़ा सा, थोड़ा आपको समझाऊं पहले कि फोटो करंट है क्या, ठीक है। देखो when a light of suitable frequency falls on metal surface, electrons get ejected from the metal surface. इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसी को बोलते हैं ना, और जो ये इलेक्ट्रॉन निकले इनको कलेक्ट किया जाता है। ये लिखा है ना कलेक्टर प्लेट, जो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करे, पॉजिटिव चार्जेस को दिया जाता है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा जाता है। दीज इलेक्ट्रॉन्स इनको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, जिसको कलेक्टर प्लेट भी बोली है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को बोल रहे हैं कलेक्टर प्लेट, जो कलेक्ट कर रही है, जो निकले इलेक्ट्रॉन सीधा पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेंगे, विच गिव्स राइज टू फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट आई टी। हाँ जी, लिखो पहले। देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करंट कैसे ये बनाया जाता है फोटो करंट, ठीक है। मान लो ये मेरे पास एक प्लेट है, एक मेटल की प्लेट है, छोटा डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, ये ना एक मान लो ट्रांसपेरेंट किसी भी एनक्लोज कर रखा है इसको, ट्रांसपेरेंट बॉडी में एनक्लोज किया हुआ है, ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें लाइट पड़ रही है, हाई फ्रीक्वेंसी लाइट पड़ रही है मेटल की प्लेट में, तो क्या होगा, ये मेटल की प्लेट में अगर हाई फ्रीक्वेंसी लाइट पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। हम क्या करते हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, नेगेटिव पे हमने अर्थिंग कर दिया, समझ गए आप, मतलब इसको पॉजिटिव रखा। और अब देखो, अब मान लो मैं डायग्राम आपको इसका जो ग्राफ है साथ के साथ समझाऊंगा, ठीक है, दो मिनट में समझ आएगा आपको। ये डायग्राम समझ आ गया आपको, ये हमने एक प्लेट लगाई है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ये बैटरी ना मान लो कम ज्यादा कर सकते हैं वोल्टेज मान लो कम ज्यादा कर सकते हैं, वैसे तो और इसमें लगेगा रियोस्टैट वगैरह, मैं सिंपल जस्ट आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जब वोल्टेज जीरो है, यहाँ पे ये वोल्टेज है ना, वो नेगेटिव पॉजिटिव, ये वोल्टेज है पॉजिटिव, वोल्टेज इस तरफ है, नेगेटिव इस तरफ है, अभी वोल्टेज जीरो है, ये वोल्टेज अगर जीरो है इस पर तो कोई पोटेंशियल नहीं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन आएंगे जैसे लाइट पड़ी कुछ फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन निकले, तो थोड़े बहुत हो सकता है, क्योंकि इसका पोटेंशियल नहीं है पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच रहा, इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, अभी इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है, अभी पोटेंशियल जीरो। बट होगा क्या, जब हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन अपने आप इससे टकरा जाए, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो, इसके पास भी है प्लेट, कुछ अपने आप टकरा गए तो इससे करंट फ्लो करेगा, इस वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे,
पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, जब वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं वैसे तो ये पॉजिटिव नहीं है, पर इलेक्ट्रॉन जब थोड़ा बहुत फ्लो करेंगे इसमें थोड़ा बहुत करंट आए, तो वो थोड़ा बहुत करंट है मान लो यहाँ पे करंट। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा ना पॉजिटिव किया, इस प्लेट को थोड़ा पॉजिटिव किया, इसको बढ़ा दिया, पोटेंशियल बढ़ा दिया इस तरफ, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ठीक है जी। तो थोड़ा जैसे बढ़ाया क्या होगा उसे, अब पॉजिटिव हो गए, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, पहले तो इलेक्ट्रॉन की कोई डायरेक्शन नहीं थी, अब हल्का तो पॉजिटिव है तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गए ना उसकी तरफ और भी ज्यादा, तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो करेंगे करंट अब बढ़ गया थोड़ा सा, तो अब यहाँ पे जैसे थोड़ा सा बढ़ा दिया करंट और बढ़ गया, थोड़ा ऐसे बढ़ गया करंट। इसके बाद हमने और पॉजिटिव कर दिया उसको, और ज्यादा करंट बढ़ेगा, फिर और ज्यादा पॉजिटिव कर दिया। अब देखो अगर मैं बहुत ही ज्यादा ही पॉजिटिव करता जाऊं इसका मतलब क्या इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, नहीं। मान लो यहां से ये ऐसा थोड़ी है कि मेटल सरफेस से लगातार इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जितनी लाइट पड़ रही है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग 10^-9 सेकंड में एक फोटोन आता है, इलेक्ट्रॉन को हिट मारता है, बाहर निकालता है इलेक्ट्रॉन को, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, फोटोन ही को हिट कर रहा है, उसके लिए भी इतना टाइम चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, ठीक है। तो मान लो अब कुछ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हर सेकंड में, एक सेकंड में मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अब जितने एक सेकंड मान लो वैसे तो काफी ज्यादा निकलेंगे, मान लो एक सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन 50 इलेक्ट्रॉन मान लो एक सेकंड में 50 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मैंने इसका वोल्टेज फुल कर दिया पॉजिटिव फुल, अब अगर मैं जितना मर्जी वोल्टेज बढ़ाता जाऊं क्या फर्क पड़ेगा, जब एक सेकंड में निकलेंगे 10 तो उतने यहाँ पे पहुंच जाएंगे जितने निकले, आप चाहे उसको पोटेंशियल को और बढ़ा दो, उसने तो एक सेकंड में 10 निकाल लिया, समझिए इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसपे करंट कॉन्स्टेंट हो जाएगा, वो इसलिए क्योंकि पर सेकंड जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कॉन्स्टेंट है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकल ही रहे या निकल ही रहे, नहीं वो फिक्स है ना, फिर वो तो लाइट पड़ रही है इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं फिक्स रेट के साथ निकलेंगे, एक सेकंड में इतने निकल रहे हैं, तो थोड़े टाइम के बाद जो करंट है ना वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा ऐसे। पहले इंक्रीज किया फिर कॉन्स्टेंट हो गया, अब जो कॉन्स्टेंट हो गया इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन आपको पता है ना केमिस्ट्री में सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसके बाद जो डिसॉल्व नहीं हो सकता बस एक लिमिट के बाद सैचुरेटेड, तो ये सैचुरेशन आ गई, इसके बाद नहीं बढ़ेगा बस कॉन्स्टेंट हो गया। अब पॉजिटिव का तो आपको समझ आ गया, नेगेटिव का करें अब, ठीक है। नेगेटिव का देखो अब मैंने क्या किया, इसको हल्का सा नेगेटिव कर दिया, ये उल्टा करके लगा दिया, जो इलेक्ट्रोड है ना ये जो प्लेट है कलेक्टर प्लेट, ये कलेक्टर प्लेट है हमारे पास कलेक्टर प्लेट। अब जो इलेक्ट्रॉन पहले मान लो जीरो से स्टार्ट करता हूँ, जीरो पे तो आपको पता है कि कोई वोल्टेज नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉन अपने आप टकरा गए, ऑब्वियसली टकराएंगे निकल रहे हैं ना, तो थोड़े बहुत टकरा गए थोड़ा बहुत करंट है यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे करंट है थोड़ा बहुत डन, पर जैसे आपने थोड़ा सा नेगेटिव दे दिया इलेक्ट्रॉन अब उतने डायरेक्ट कराएंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है वो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ही ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलते हैं तो आप टकरा गए थोड़े बहुत, जो हाई स्पीड से आए वो टकरा गए, पर फिर भी कम होंगे पहले से, तो ना करंट डिक्रीज कर जाएगा ऐसे, वो करंट डिक्रीज करने लग जाएगा, और आपने और नेगेटिव कर दिया, अब और ज्यादा नेगेटिव हो गया और ज्यादा रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन को, अब इलेक्ट्रॉन जो बहुत ज्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन है वो तो इससे टकरा जाएगा बहुत ज्यादा फास्ट, पर बहुत कम इलेक्ट्रॉन इस तक पहुंचेंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को जो स्लो इलेक्ट्रॉन आ रहा है स्लो आ रहा है तो वो क्या करेगा नेगेटिव को रिपेल कर देगा, क्योंकि आपने नेगेटिव दिया है, ठीक है। पर एक टाइम ऐसा आएगा आपने और नेगेटिव कर दिया, आप इतना नेगेटिव कर दिया कि जितना मर्जी फास्ट इलेक्ट्रॉन आ जाए नेगेटिव प्लेट तक नहीं आ सकता, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा रिपेल,
तो इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता, तो एक पॉइंट पे जाके वो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो गई, सॉरी करंट क्या हो गया यहाँ पे जीरो। ये देखो करंट ऊपर की तरफ है, यहाँ पे करंट जीरो हो गया, और जिस पॉइंट पे करंट जीरो हो जाए इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग, इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गए ना यहाँ तक आने, और करंट भी स्टॉप हो गया, जीरो हो गया करंट, इसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल या रिटार्डेशन या रिटार्डिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग या रिटार्डिंग पोटेंशियल, ये बन गया ग्राफ, एक करंट में और पोटेंशियल में ग्राफ बन गया आपका। एक बार ये लिख लो, मैं थोड़ा थ्योरी भी लिख देता हूं, वो भी आपने लिखना है। देखो ये मैं लिख रहा हूँ जो मैंने आपको बताया, जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे करंट इंक्रीज करता जाता है, कुछ वैल्यू के बाद कांस्टेंट हो गया उसको सैचुरेशन करंट बोलेंगे, मैं वही लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड आफ्टर अ सर्टेन वोल्टेज, एंड आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज द फोटो करंट बिकम्स कांस्टेंट। फोटो करंट बिकम्स कांस्टेंट, फोटो करंट भी तो कांस्टेंट, दिस करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट, दिस करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट, इसको बोलेंगे सैचुरेशन करंट। पॉजिटिव साइड का मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट आपको लिखवाता हूँ कि अगर आप नेगेटिव पोटेंशियल दें कलेक्टर प्लेट को, व्हेन नेगेटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड, व्हेन नेगेटिव पोटेंशियल इज, व्हेन नेगेटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड टू कलेक्टर प्लेट, इज अप्लाइड टू कलेक्टर प्लेट, द फोटो करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग, द फोटो करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग। फोटो करंट देखो यहाँ से आपने नेगेटिव पोटेंशियल दिया, डिक्रीज करता जाएगा और एक वोल्टेज पे जाके जीरो हो जाएगा, एट बिकम जीरो एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एंड बिकम्स जीरो एट अ सर्टेन value of voltage called stopping potential, तो एक definition एक बनती है stopping potential क्या हो, अब हम करेंगे stopping potential क्या हो, इसको V डॉट से लिखते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्या था, अब यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू कलेक्टर प्लेट फॉर विच फोटो करंट बिकम जीरो, द मिनिमम नेगेटिव, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू कलेक्टर, अप्लाइड टू कलेक्टर प्लेट फॉर विच द फोटो करंट बिकम्स जीरो, फॉर विच द फोटो करंट बिकम्स जीरो इज कॉल्ड
ऑटो करंट जब जीरो हो गया नेगेटिव पोटेंशियल भी उसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर रिटार्डिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ पोटेंशियल और रिटार्डिंग और देखो जब स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया तो क्या होता है एट दिस स्टेज जब स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया ना तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है मेटल से वो नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रहा है ना, पर नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी तो वो एकदम तेज आता है और वो उसको रोक देता है पूरा। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो किसके इक्वल होगी उस टाइम में, किसके इक्वल होगी एनर्जी पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, एनर्जी पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हाइल पासिंग थ्रू स्टॉपिंग पोटेंशियल, व्हाइल पासिंग थ्रू पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल बी नॉट। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी है हाफ एम बी स्क्वायर, मान लो वी वेलोसिटी से आता है। और बताओगे जब इलेक्ट्रॉन किसी वी वोल्ट में मूव करता है एनर्जी क्या होती है ई वी, वी नॉट में मूव कर रहा है तो ई वी नॉट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ये पहला फॉर्मूला है इस चैप्टर का, स्टॉपिंग पोटेंशियल जब आ जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी एनर्जी के कितनी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं जब वो किसी वोल्टेज वी नॉट में स्टॉपिंग पोटेंशियल में मूव कर रहा है तो कितनी एनर्जी होती है, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी ई वी नॉट। आपको थोड़ा और लिखवाऊंगा, देखो लिखो आप For a given value of frequency, for a given value of frequency of incident light, frequency of incident light, the change in intensity of light, the change in intensity of light does not affect the value of stopping potential. Does not affect the value of stopping potential. देखो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप लोगों ने डायग्राम दूसरा बनाना है। देखो ये मेरे पास है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, मान लो ये ग्राफ मेरा है किसी इंटेंसिटी आई वन पे। अब इंटेंसिटी मैंने आपको अच्छी तरीके से कल बताया था लास्ट टाइम कि इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर इंटेंसिटी लाइट की बढ़ेगी नंबर ऑफ फोटॉन क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, फोटॉन ज़्यादा बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा निकलेंगे, पर ये तो नहीं है इलेक्ट्रॉन तेज आएगा ज़्यादा, बस इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी से ज्यादा निकलेगा पर जितना आपने पोटेंशियल दिया उसके हिसाब से ही अट्रैक्ट होगा, है ना। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना वो तो उतना ही रहता है, सिर्फ क्या होगा कि फोटोन बढ़ गए इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर आ गए तो करंट थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा, इससे थोड़ा बहुत करंट ज्यादा हो जाएगा बस। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ ना ये ग्राफ आएगा, देखो ऐसे मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी आई टू, फ्रीक्वेंसी सेम है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम है, देखो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी लाइट की फ्रीक्वेंसी उतनी है पर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, नंबर ऑफ फोटॉन्स उसमें बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकले, थोड़ा सा करंट ज़्यादा हो गया, देखो ऊपर हो गया ग्राफ, ऊपर हो गया ना थोड़ा करंट ऊपर की तरफ है, इंक्रीज हो गया करंट बट स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही रहता है। ये आप डायग्राम बनाओ एक, हाँ जी, इसके बाद देखो अगर हम इंटेंसिटी सेम रखें
फ्रीक्वेंसी चेंज कर दे तो क्या हो? देखो जरा, पहले समझो, फिर डायग्राम बनाएंगे इसका, ग्राफ बाद में। इफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज कैप्ट कॉन्स्टेंट, इज कैप्ट कॉन्स्टेंट, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल then stopping potential increases with an increase in frequency, increases with the increase in frequency of incident light. ये मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो अभी जस्ट आप ये लिखो, ठीक है, और ग्राफ इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। मान लो इंटेंसिटी अभी फिक्स है, फ्रीक्वेंसी हमने चेंज कर दी, ये फ्रीक्वेंसी है न्यू वन, पहले न्यू वन पहली फ्रीक्वेंसी, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका कुछ आ गया, देखो वी जीरो वी नॉट वन, वी नॉट वन पहले जब फ्रीक्वेंसी बन थी। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्या होगा? एक्चुअली फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे ना इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट निकलेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे वो बहुत तेज बाहर निकलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ गई। ये देखो मैं अभी आप ये लिखने की जरूरत नहीं, आपकी नॉलेज के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया, हाफ एम वी स्क्वायर ए वी नॉट हो जाता है। पर जो फ्रीक्वेंसी है ना, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, फोटोन ज़्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बाहर आते हैं बस। पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं ना, बहुत फास्ट आते हैं, ठीक है, क्योंकि कम एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो चाहिए, उसके नीचे इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आते। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आएगा ना, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ रही है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी नॉट ही बढ़ेगा, और ये नेगेटिव होता है, इस तरफ बढ़ता है, नेगेटिव होता है ना, ये पोटेंशियल बढ़ेगा इस तरफ। तो अगर मैं अभी देखो इंटेंसिटी सेम है तो ग्राफ ऐसा बनता है, ये आगे से जो सैचुरेशन करंट है वो ये इंटेंसिटी आई है, सैचुरेशन करंट उतना रहेगा बट थोड़ा करंट बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिर भी फास्ट आया है ना, तो उसको रोकने में ना, इलेक्ट्रॉन को रोकने में पोटेंशियल ज़्यादा देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, एक चीज बहुत तेज आ रही है, उसको रोकने के लिए पोटेंशियल ज़्यादा देना पड़ेगा ना, पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया, आप देखो वी नॉट टू, ये दूसरी फ्रीक्वेंसी में है, ये है फ्रीक्वेंसी टू, और दूसरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है पहले से। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ गई, समझ गए? तो ये आप लिखो साइड में, नोट कर लो। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। ये ग्राफ हमने बनाया कैसा होगा? अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है, या ऐसे बोल लो काइनेटिक एनर्जी इस पर डिपेंड करती है। एक ही बात है, फ्रीक्वेंसी वैसे ज़्यादा होगी अगर तो काइनेटिक एनर्जी भी, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। पर आगे फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का, वी वी नॉट, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टॉपिंग पोटेंशियल के। तो अगर आगे देखो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टॉपिंग पोटेंशियल के, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल के। समझ आया? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे। आगे सॉरी एक मिनट मैं समझा बताता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, पर अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा, क्योंकि बिल्कुल इक्वल है, ठीक है ना, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो दो क्वांटिटीज उनके बीच में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है, बट ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी मान लो मैं किसी, और एक और बात, हर एक मेटल के लिए अपना एक मिनिमम
फ्रीक्वेंसी होती है जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मान लो मैं इस मेटल के लिए बताओ ना, ऐसे बन रहा है मान लो ये मेटल बी के लिए, तो इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसकी ना जो फ्रीक्वेंसी है ये पी की फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड न्यू नॉट से लिखते हैं, थ्रेशोल्ड को न्यू नॉट। तो ये जीरो से कभी स्टार्ट नहीं हुआ ग्राफ कभी भी, क्यों? क्योंकि ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड। ये देखिए जीरो को जीरो फ्रीक्वेंसी तो होता ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जीरो फ्रीक्वेंसी तो होगा ही नहीं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए चाहिए, तो इसीलिए ये कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा कभी भी। ये कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी हर एक मेटल की अपनी। अगर मैं किसी दूसरी मेटल की बात करूँ तो उसकी अपनी होगी ये फ्रीक्वेंसी, मान लो क्यों मेटल, ये मेटल क्यों, इसका अलग से आई की स्ट्रेट लाइन, तो समझ गए ना, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड होती है ना वो हर एक मेटल की अपनी होती है। सो आप इसके बाद लिखो व्हेन अ ग्राफ, व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड, व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल बी नॉट, इट इज फाउंड टू बी स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू पर इट, इट इज फाउंड टू बी अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट पासिंग थ्रू अर इट, क्यों नहीं ओरिजिन से पास करती, क्योंकि हर एक मेटल के लिए मिनिमम वैल्यू है, बिकॉज फॉर एवरी मेटल देयर इज मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, बिकॉज फॉर एवरी मेटल देयर इज मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉल्ड threshold frequency below which no photoelectric effect can take place। हाँ जी आप समझ गए, ये क्योंकि हर एक मेटल के लिए अपनी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो ही नहीं सकते मेटल सरफेस, तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, जीरो नहीं है फ्रीक्वेंसी, तो ये कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करेगी स्ट्रेट लाइन। तो ये सिंपल ग्राफ था फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक है लॉस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इससे पहले जितने टॉपिक किए सबका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो टॉपिक थे उनका समअप है ये पहला, कि हर एक मेटल की अपनी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही नहीं सकता, ये तो आपको पता है बस। सेकंड क्या है कि जितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो किस पर डिपेंड करेंगे, इंटेंसिटी। एक्चुअली इसका रीजन आपको बताता हूँ मैं, मैंने आपको बताया था कि एक फोटोन आता है मेटल के सरफेस में, एक इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है। अब जितने ज़्यादा फोटोन आएंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, है ना। तो वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं जो बाहर निकल रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स पे, और नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, इंटेंसिटी। सिंपली अगर बोले तो नंबर ऑफ फोटोन्स क्या है, इंटेंसिटी है, जितने ज़्यादा फोटोन उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी, जितने कम फोटोन उतने कम इंटेंसिटी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे जो एमिट होंगे वो इंटेंसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये तो लाइन लिखनी है कि प्रोवाइडेड दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड तो होनी ही चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट यही है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो हो, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेंगे, नंबर दो। अब थर्ड पॉइंट, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन निकला वो कितनी फास्ट आएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे,
जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो उतना फास्ट निकलेगा, ठीक है। वो अभी इंटेंसिटी पे नहीं, अभी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। और मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी तो होनी ही होनी चाहिए। ये हमने पहले भी किया ना कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कैनेटिक एनर्जी पे, मतलब कैनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए कैनेटिक एनर्जी बहुत फास्ट निकलेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लास्ट जो ये पूरी प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, लाइट आई, हिट किया, बाहर निकला इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे 10^-9 सेकेंड में अप्रॉक्सीमेट, ये अप्रॉक्सीमेट 10^-9 सेकेंड में हो जाती है। तो ये बहुत फास्ट हुआ, ये बहुत फास्ट, तो ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, पलक झपकते ही प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। बस